नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी एग्जाम के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। नोटिफिकेशन कब जारी होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि एसएससी जीडी एग्जाम क्या है। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के द्वारा एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा के नाम से कांस्टेबल जनरल ड्यूटी और राइफलमैन जनरल ड्यूटी के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली ये राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। एसएससी जीडी अपनी पात्रता मानदंड और सुरक्षा बलों में काम करने से जुड़े गौरव के कारण उम्मीदवारों के बीच बहुत ही लोकप्रिय परीक्षा है। एसएससी जीडी 2021 की अधिसूचना बहुत ही जल्द जारी की जाएगी। एसएससी जीडी 2021 की अधिसूचना पहले 25 मार्च को जारी होने की उम्मीद थी, लेकिन इसमें डिले हुआ है। एसएससी जीडी के 2021 के नोटिफिकेशन में रिक्त पदों की एक अच्छी खासी संख्या देखने को मिल सकती है, क्योंकि कॉन्स्टेबल्स सुरक्षा बलों की रीढ़ बनाते हैं और इनकी आवश्यकता हमेशा समय के साथ बढ़ती रहती है। दोस्तों, इस भर्ती प्रक्रिया के द्वारा जिन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कॉन्स्टेबल्स के पदों पर भर्ती करवाई जाती है, उनमें से सबसे प्रमुख है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस यानी कि आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए, सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्सेज यानी कि एसएसएफ और राइफलमैन जनरल ड्यूटी के पदों के लिए आसाम राइफल्स के लिए कॉन्स्टेबल्स और राइफलमैन पदों के लिए ये पूरी भर्ती प्रक्रिया करवाई जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं जो लेटेस्ट अपडेट है। तो लेटेस्ट अपडेट यही है कि एसएससी जीडी 2021 की जो अधिसूचना है उसमें थोड़ा डिले हुआ है। 25 मार्च को ये नोटिफिकेशन जारी होना था, लेकिन इसमें देरी होने की वजह से जल्द ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि इलेक्शंस की वजह से या फिर हो सकता है कोरोना पेंडेमिक की वजह से नोटिफिकेशन में किसी तरीके की देरी हुई हो, लेकिन जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है। इससे पहले जो अपडेट आई थी उसमें 2018 का एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल एग्ज़ाम के जो फाइनल मार्क्स हैं वो जारी किए गए थे। जिन भी कैंडिडेट्स ने 2018 का एग्ज़ाम दिया था वो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल करके अपने फाइनल मार्क्स चेक कर सकते हैं, और इसके लिए आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और लॉगिन करके आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अब एक हाइलाइट्स देख लेते हैं कि जनरल एसएससी जीडी एग्ज़ाम के बारे में क्या हाइलाइट्स हैं जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है जानना। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम का नाम है एसएससी जीडी, पूरा नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2021 के लिए। दोस्तों, ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली बॉडी जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग, इसमें जिन पदों के लिए भर्ती होती है वो है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, जिसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों एलिजिबल हैं, और राइफलमैन के पदों के लिए भी ये भर्ती होती है। नेशनल लेवल का ये एग्ज़ाम है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी होता है, उसके बाद आपका फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट पीईटी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी होता है, इसके बाद आपका मेडिकल एग्ज़ाम या आप कह सकते हैं डिटेल्ड मेडिकल एग्ज़ाम डीएमई और रिव्यू मेडिकल एग्ज़ाम भी इसमें होता है। अगर एग्ज़ाम फ्रिक्वेंसी की बात करें तो कोई फिक्स्ड नहीं है। एमएचए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और दिल्ली पुलिस की अनुशंसा पे जो वैकेंसी इंटीमेटेड की जाती है एसएससी को, उसके आधार पर ये भर्ती प्रक्रिया करवाई जाती है। कोई फिक्स्ड नहीं है कि साल में एक बार या दो साल में एक बार एसएससी जीडी एग्ज़ाम होता ही है, ये वैकेंसीज की संख्या के आधार पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। मोड ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, इसके अलावा आपका एग्ज़ाम की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों रहती है। दोस्तों, अब बात करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2021 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेशनलिटी की, तो इस भर्ती प्रक्रिया में केवल भारत के नागरिक हैं वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट्स की
एज 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, पास होना चाहिए। जो 10वीं में अभी चल रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, जिन्होंने 10वीं कंप्लीट नहीं किए, वो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए योग्यता नहीं रखते हैं, पात्र नहीं हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एग्ज़ाम डेट्स क्या हैं। तो जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि नोटिफिकेशन में इस बार देरी हुई है, 25 मार्च 2021 को नोटिफिकेशन जारी होना था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से नोटिफिकेशन में देरी हुई है, इसलिए एप्लीकेशन प्रोसेस भी आपका डिले होगा। लेकिन आपका जो CBT टेस्ट की डेट है वो 2 अगस्त 2021 और 25 अगस्त 2021 तक ये टेंटेटिव डेट्स हैं। हो सकता है इनमें भी कुछ परिवर्तन देखने को मिले, लेकिन वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि SSC GD कांस्टेबल परीक्षा के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो जैसा कि आपको पहले ही हमने बताया, सबसे पहले आपका कंप्यूटर आधारित यानी कि CBT एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपका PET यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा, PST यानी कि शारीरिक मानक परीक्षण और मेडिकल एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले चरण की बात करें तो SSC GD के लिए आपको एप्लीकेशन जो है वो फिलअप करना पड़ता है। एप्लीकेशन आप SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए जो आवेदन शुल्क है वो 100 रुपये हैं। महिला SC ST पूर्व सैनिक ये जितने भी उम्मीदवार हैं इनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। सेकेंड चरण की बात करें तो SSC GD का एडमिट कार्ड जारी होता है। एग्ज़ाम से लगभग 2 से 3 सप्ताह पहले आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। ऑनलाइन आपको SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड उपलब्ध रहता है, जिसे कि आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके डाउनलोड कर सकते हैं। PET, PST या मेडिकल एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड CRPF के द्वारा उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं, क्योंकि आपका PET, PST और मेडिकल एग्ज़ाम CRPF के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। दोस्तों आगे बात करते हैं SSC GD का तीसरा जो चरण है, इसमें आपका CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। और जिन कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशन अप्लाई किया है SSC GD एग्ज़ाम के लिए, उनको बुलाया जाता है। इस एग्ज़ाम में आपको 100 अंकों के 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न का एक क्वेश्चन पेपर मिलता है, और इसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आपका है सामान्य बुद्धि और तर्क यानी कि रीजनिंग का, उसके बाद GK और जनरल अवेयरनेस का इसमें सेक्शन होता है, उसके बाद आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी और अंग्रेजी हिंदी का भी सेक्शन होता है। जो प्रश्नों का स्तर होता है वो मैट्रिक लेवल का होता है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10वीं पास का है। दोस्तों चरण 4 में आपका SSC GD का PET या PST यानी कि फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। CBT के प्रदर्शन के आधार पर उसमें स्क्रीनिंग के बाद उम्मीदवारों को PET और PST जैसे शारीरिक परीक्षणों के लिए चुना जाता है। परीक्षण का आयोजन CRPF जैसे भर्ती निकाय के द्वारा अंतिम रूप से संचालित विभिन्न केंद्रों पर किया जाता है। चरण 5 की अगर बात करें तो SSC GD मेडिकल एग्ज़ाम होता है, यानी कि PET और PST में क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट्स को आखिरकार जो CAPF है उनके DME और RME यानी कि डिटेल मेडिकल एग्ज़ाम और रिव्यू मेडिकल एग्ज़ाम अगर लागू होता है, क्योंकि रिव्यू मेडिकल एग्ज़ाम उन्हीं का होता है जो कि डिटेल मेडिकल एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, तो उनके लिए ये चरण जो है PST, PET और मेडिकल एग्ज़ाम का करवाया जाता है। दोस्तों इसके बाद जो आखिरी चरण है, चरण 6, जिसमें कि आपका परिणाम जारी किया जाता है। अंतिम जो परिणाम है वो कर्मचारी आयोग के द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाता है, और अंतिम परिणाम के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। और इसमें जो आपका PET, PST, DME यानी कि फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और मेडिकल एग्ज़ाम है वो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी उनको आपको क्वालिफाई ही करना पड़ता है, उनके कोई मार्क्स नहीं होते हैं। अगर आप इन एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको फिर फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं रखा जाता है। दोस्तों अब कुछ जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश 2021 SSC GD कांस्टेबल परीक्षा के लिए है,
उनमें कुछ निर्देश हैं जिनके बारे में उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि आपको एडमिट कार्ड तो आवश्यक रूप से अपने साथ लेके आना है। इसके अलावा जो फोटो पहचान पत्र है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, या किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज द्वारा जारी पहचान पत्र है, आयकर का पैन कार्ड है, ये सब आपके पास होना ही चाहिए। इसके अलावा परीक्षा केंद्र पर किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाने की अनुमति नहीं है। उम्मीदवारों को समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचना चाहिए और परीक्षा केंद्र पर देरी से पहुंचने वाले उम्मीदवारों को एग्ज़ाम में उपस्थित होने की अनुमति नहीं है। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनके बारे में हर एक उम्मीदवार को ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों कुछ FAQs हैं जो कि अक्सर कैंडिडेट्स पूछते रहते हैं ऑनलाइन माध्यमों से, कि क्या SSC GD 2021 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो इसकी अधिसूचना 25 मार्च को जारी होनी थी, लेकिन किसी कारण से नोटिफिकेशन में देरी हुई है, लेकिन जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है। दोस्तों अगला प्रश्न रहता है कि SSC GD कांस्टेबल परीक्षा में कितने चरण होते हैं। तो हमने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, 4 चरण होते हैं। पहला कंप्यूटर आधारित CBT टेस्ट, उसके बाद में आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण और मेडिकल एग्जाम। अगला प्रश्न है कि क्या SSC GD परीक्षा के लिए कोई एज लिमिट है। तो एज लिमिट बिल्कुल है, परीक्षा के लिए आपकी एज लिमिट 18 से 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न रहता है कि SSC GD एक वर्ष में कितनी बार होता है। तो जैसा कि आपको हमने पहले भी एग्ज़ाम की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया कि SSC GD परीक्षा के आयोजन के लिए कोई फिक्स्ड पैमाना नहीं है कि हर वर्ष होगा ही। ये आमतौर पर जो गृह मंत्रालय है, MHA और जो दिल्ली पुलिस है, उनमें जो रिक्तियाँ होती है, जो वैकेंसीज होती है, उसकी जो अनुशंसा के बाद SSC इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। SSC GD परीक्षा के माध्यम से भर्ती के लिए कितनी वैकेंसी जारी की जाती है। तो दोस्तों SSC GD 2021 रिक्तियों को अभी तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन 2018 में आयोग ने जो विभिन्न कांस्टेबल और राइफलमैन के पदों के लिए कुल 60,210 SSC GD की वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ी भर्ती परीक्षा है। तो जो भी कैंडिडेट्स 10th क्वालिफाई कर लेते हैं, उनको ज़रूर ये एग्ज़ाम देना चाहिए और हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं ताकि इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आप तैयारी भी कर सकें। दोस्तों अगला जो प्रश्न रहता है कि SSC GD परीक्षा के लिए एप्लीकेशन फ़ी क्या है। तो उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क के रूप में 100 रुपये का पेमेंट करना होता है। महिलाओं, SC ST और जो पूर्व सैनिक हैं, उनके लिए आवेदन में छूट दी गई है। अगला प्रश्न रहता है कि परीक्षा के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड क्या है। तो जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया कि 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, लेकिन अगर आप 10वीं उत्तीर्ण नहीं हैं, 10वीं में आपके एग्ज़ाम होने बाकी हैं, तो अपीयरिंग में हैं, तो आप आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं। SSC GD कॉन्स्टेबल का वेतन क्या रहता है, ये चीज़ भी बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं। तो आपके सिलेक्शन के बाद आपके जो वेतन है वो 21,700 से 69,100 रुपये का वेतन आपका रहता है, जो कि ग्रेड पे के अनुसार आपका इंक्रीमेंट होता रहता है। SSC GD कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए क्या योग्यता है। तो जैसा कि आपको पहले ही बताया, 10वीं कक्षा आपको उत्तीर्ण की जानी होनी चाहिए, यानी कि पास्ट होनी चाहिए। CBE यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या रहती है। तो अगर बात करें न्यूनतम कट ऑफ की, जो क्या होती है, तो सामान्य वर्ग के लिए 35%, SC ST OBC और EWS कैटेगरी के लिए 30%, और जो ESM एक्स सर्विसमैन आदि श्रेणियों के लिए 25% है। यानी कम से कम इतने मार्क्स तो आपको लेके आने ही हैं। इसके ये आपकी क्वालिफाइंग कट ऑफ है। इसके अबव जो कट ऑफ रहती है वो कैटेगरी वाइज अलग अलग रहती है, और कैंडिडेट्स कितने SSC के द्वारा बुलाए जाते हैं उस पर निर्भर करता है। दोस्तों PET, PST और मेडिकल एग्ज़ाम के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्टेड कितने उम्मीदवारों को किया जाता है, ये क्वेश्चन रहता है। तो जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया कि PET और PST के लिए उम्मीदवारों को CBT एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स हमने आपको बताई दी, उसके बाद में जो वैकेंसीज है उसके 10 गुना को PET, PST और मेडिकल एग्ज़ाम के लिए जो है
क्वालिफाई किया जाता है, उनको बुलाया जाता है। यानी कि पिछली बार जो 60,000 वैकेंसीज थी तो 6,00,000 कैंडिडेट्स को जो है पीएसटी और मेडिकल एग्ज़ाम के लिए बुलाया गया था। उम्मीदवारों का अंतिम आवंटन कैसे किया जाता है? तो दोस्तों, उम्मीदवारों का जो अंतिम आवंटन है वो आपके सीबीटी एग्ज़ाम में जो मेरिट है उसके आधार पर किया जाता है। आपके जो पीटी, पीएसटी और मेडिकल एग्ज़ाम अगर लागू होता है, रिव्यू एग्ज़ाम भी होता है मेडिकल एग्ज़ाम में, तो ये केवल आपके क्वालिफाइंग इन नेचर है। यानी कि फिजिकल टेस्ट और मेडिकल एग्ज़ाम आपको केवल क्वालिफाई करना ज़रूरी है, बाकी आपकी मेरिट बनती है सीबीटी एग्ज़ाम के आधार पर, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होता है उसके आधार पर। तो दोस्तों, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी जानकारी हमने देने की कोशिश की है। इसके अलावा भी हम अलग अलग जो पॉइंट्स हैं उनको डिटेल में अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से आपके बीच में लेके आएंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे ऑफिशियल वेबसाइट examsarthi.com पर जाकर के भी आप किसी भी एग्ज़ाम के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। धन्यवाद।